Assalamu alaikum everyone, welcome to World Minute. तो आज की वीडियो एक फिर से एक जिम वीडियो होने वाली है जो अब आप कह रहे हो कि ये पागल हो गए हैं बट गाइस जिम हमने जाना शुरू किया कुछ अर्सा हुआ तो फिर मैंने हमें मॉडर्न मैन होने के नाते हमारा फर्ज है कि हमारे भाइयों को बताएं काफी हमारे भाइयों को जिम जाने के मैनर्स एंड डूज एंड डोंट्स नहीं पता खुद मैंने खुद सारी मिस्टेक 90% मिस्टेक मैंने खुद सारी की जिम जाते हुए जो मेरे जिम इंस्ट्रक्टर मेरे आप जिम वाले भाइयों ने मुझे खुद टोकर शुक्राना बताया कि बहुत अजीब लगता है और ये सारी और ये मतलब कि प्लीज यार मेरे भाइयों ये वीडियो जरूर देखें और ये चीजें इंप्लीमेंट करें क्योंकि बहुत बड़ी गलती है और आप मतलब कि वी आर जेंटलमैन वी आर जेंटलमैन वी आर मॉडर्न सो गाइस यू पहला डोंट हैव आई डोंट टेक सेल्फीज एट जिम गाइस सीरियसली यार इसलिए जिम जा रहे हो जिम आप जा रहे हो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने अपने आप को बेहतर करने के लिए वहाँ जाके ये काम हो प्लीज गाइस मतलब कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता और सबके सामने आपकी रेपुटेशन आपका इमेज गिर जाता है यार हर किसी को किसी भी जिम में हर किसी को उस बंदे नफरत होती है जिम में बैठ के इक्विपमेंट बैठ के सेल्फियाँ ले जाते हैं इंस्टाग्राम में डाल रहा होता है उसमें कोई वर्कआउट नहीं कर रहा होता मुझे उस टाइप के लोगों से सख्त नफरत है उनको भी उन्होंने हुक किया होता है और आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है यार प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ एनफ आप बोर हो गए यार खुद तो ये 24 घंटे स्टोरीज चढ़ाते रहते हैं और ये हमें बोर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ना सीरियस चढ़ाओ सो गाइस अगला डू यही है कि डू मेक स्टोरीज एंड मोटिवेट दूसरों को करें जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो लोग मेरा का दोस्त है फकर उसकी एक अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है एक मेरा जिम जाने का ये रीजन भी कि उसकी बॉडी देख के मैं इंस्पायर होता हूँ जब भी उनकी स्टोरी तस्वीर डालते हैं अपनी स्नैपचैट अपनी बॉडी की तो ये पता है कि अच्छी होती है आप किसी बंदे के अगर कर रहे हैं आप उसकी वीडियो बनाए लेकिन मतलब कि आप टाइम वेस्ट ना करें जिम में जिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको आप एक घंटा वर्कआउट करने बाहर निकले जिम जगह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है मैं अगर आपको वर्कआउट करना दोस्त के साथ जाते हैं उधर से उधर जाने वाले उसके मेरी स्टोरी बना दें आप उसकी स्टोरी बना लें इस तरह आप फायदा उठाएं उस चीज का या फिर आप टिप्स दे सकते हैं आप लोगों को काफी इंस्पायर जानने का होगा कि टिप्स दे सकते हैं आज मैं ये करने वाला बॉडी पार्ट आप लोग भी करें या फिर कोई भी टिप्स दे सकते हैं कि आज जिम में इस तरह के वर्कआउट करें स्ट्रेंथ करें ये वेट इस्तेमाल करें कुछ भी कर सकते हैं यार आप क्या बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ सेकंड हैंड पे सो गाइस डोंट बी अ हूतिया गाइस का क्या मतलब है इसका मतलब है सबसे ज्यादा हूतिया इंसान होता है जो इक्विपमेंट यूज करता है और उस इक्विपमेंट को उधर ही फेंक के चला जाता है गाइस आप डिसरिस्पेक्ट करो इक्विपमेंट की आप डिसरिस्पेक्ट करो जिसका जिम है यार थोड़ी इंटीग्रिटी रखो थोड़े बहुत इंसान के बच्चे बन जाओ यार जो इक्विपमेंट यूज करते हो यूज किया जहां से उठाया वहां वापस रखो तुम्हारी मेहरबानी गाइस ये मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं अपने जिम में जाता हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है 10 किलो का डंबल उस कोने पड़ा होगा जिम में एक 100 का डंबल दूसरे कोने में जिम के पड़ा होगा मुझे बहुत ज्यादा खुश होता है डंबल इस तरह पड़े हुए हैं ये वेट पड़े हुए चेयर के आदमी आपने आपको 10-12 डंबल रखे हुए हैं यार मुझे बहुत अच्छा होता है खास तौर पर मुझे उस तरह इस बात पर भी याद है कि हमारे जो जिम ओनर जितने इंस्ट्रक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं मेरे को जिम के इंस्ट्रक्टर खुद इतना नहीं कुछ बोलते अगर वो नहीं बोले तो अच्छे हैं आपकी इज्जत रख रहे हैं बट एज अ मॉडर्न मैन एज अ जेंटलमैन आपका फर्ज है कि आप जी जब इस्तेमाल करते हो उसको वापस जाके रखो और प्यार से रखो इनके टॉप हैं और गाइस डू री रैक का मतलब है जो डंबल जो चीज जहां बिलोंग करती है वहां रखें अब गाइस का ये मतलब है कि अपने डंबल्स खुद अपने तो रखें जो आप इस्तेमाल करते हैं पर इसके सारे सारे दूसरे लोग रहते हैं जो मिस्टेक करें कि अपना वर्कआउट करके वो डंबल्स को उधर ही छोड़ देते हैं आप उनसे पहले से पूछें कि आप इस्तेमाल कर लिए फिर जाके खुद रखे होंगे आपको समझते उनको बोले यार कितना अच्छा लड़का है और उनको खुद भी आगे थोड़ी सी आदत हो जाए आपको देखते उनको देख के वो शर्मिंदा होंगे और वो खुद ब खुद इस चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे एक तो पहली बात इसके बहुत सारे फायदे हैं पहला फायदा ये है कि आपको खुद वर्कआउट मिलेगा जब आप वेट मूव करेंगे तो आपका वर्कआउट ज्यादा होगा आपकी फिटनेस जिम में आपको मदद मिलेगी दूसरा कि आप जिम के अपने ऑनर की मदद करेंगे और दूसरे लोगों को एहसास भी देते हैं खुद मैं अपना जब भी जाता हूँ जिम में तो मैं काफी देखता हूँ मेरे डंबल्स होता है काफी बड़े तो मैं खूब ठाक उनको रखता हूँ जो मैं अपने साथ रखता हूँ तो जिम में मेरे अच्छा लड़का है यार ही इज अ गुड गाय गाइस जो अगला डोंट है वो है डोंट बी अ कब्जा गुरु इससे गाइस क्या मतलब है उस्मान का यार एक टाइम में तीन तीन डबल चार चार मुझे पता है कि आप सुपर सेट कर रहे हो ठीक है वही ना आप लोग चेक करो अगर चलो आपने एक वर्कआउट चल रहा है आपने तीन चीजों को करना आपने तीन चीजें पास रखी हुई है लेकिन अगले बंदे को अगर आपका सेट के बीच में गैप है या आपके एक्सरसाइज किसी और तो अगले बंदे को जंप इन कर रहे हैं तो मिलजुल के काम करो जब तीन चार लोग मिलजुल के काम करते हैं तो एक तो चीजें भी जल्दी हो जाती है और आपको मोटिवेशन भी मिलती है और आपको रेस्ट टाइम भी बड़ा यही होता है कि जब मैं अक्सर डंबल्स होने के बाद 6 केजी के मारे पता नहीं क्यों जिम में 6 केजी का डंबल बहुत डिमांड में होता है तो अक्सर मैं तुम्हें जिक्र करूँ एक बंदा पास खड़ा हो जाएगा या पूछता है यार क्या वो कितने सेट हैं उनको बोला मेरे अभी चार सेट हैं तो मुझे टाइम लगेगा तो आप ये कर लो आपने क्या करना है शेयर कर लो एक सेट मैं कर लो फिर मैरेज करो फिर एक आप कर लेना उनको बता दो अगर मानते अच्छी बात है अगर नहीं मैंने बोला बस जल्दी करने की कोशिश कर लो उन्होंने करें अलग तरीके से करना है
क्योंकि जिम जिम एक कम्युनिटी है, अपने भाइयों की मदद करो क्योंकि वो भी आपकी मदद करेंगे। जिम एक कम्युनिटी है, भाईचारा है, भाईचारा होते हैं हम भैया का, वैसे ही बहुत भाईचारा है। जिम हो गया, दूसरे लड़के को देखते दिखाते हैं कैसे है भाई। तो गाइस डू यही है, शेयर द इक्विपमेंट, अपने भाइयों के साथ चीजें शेयर करो, उनको जंप इन करने दो, उनको मदद करने दो, आप उनकी मदद करो, उनको भी आपकी मदद करने दो। सो गाइस अगला डोंट है, डोंट यूज ओवरवेट। यार ओवरवेट से क्या मकसद है यार, जब आप करो क्या बताया, हम नए नए जिम जाते हैं, शॉप करना चाहते हैं, हम इतना वेट उठा दो, मैं दुनिया नजर उठ रही, मैं क्यों कम उठाऊ। गाइस कभी भी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इससे आपको इंजरी हो सकती है और बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है यार। आप वीक के लिए बैठ लेते हो, बी केयरफुल, डोंट यूज ओवरवेट। गाइस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैंने जब ओवरवेट स्मार्ट किया था, भैया शोल्डर्स काफी मिसऑर्गेनाइज लगा था, तो मैंने भी कोई मैं नया नया था, तो मैंने 10 किलो का डंबल उठा लिया, तो मेरे लेटर शोल्डर पे हफ्ते तक पेन दी थी। तो गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, ओवरवेट नहीं इस्तेमाल करना। गाइस डू यूज प्रॉपर फॉर्म विद सेम वेट। सेम वेट का मेरा क्या मतलब है गाइस, अभी अगर आप नए हो तो अपने फॉर्म पे पहुंचो, या नए हो या पुराने हो, फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्म देख के फिर उसके साथ आप वेट बढ़ाते हो, फॉर्म सही करके फिर उसके साथ वेट बढ़ाते हो, वेट जितना मर्जी एक्सट्रीम पे चले जाओ, लेकिन फॉर्म को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस तरह गाइस मेरे जो ट्रेनर हैं फिलहाल भाई, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहते हैं कि उस्मान तू कम वेट इस्तेमाल कर ले, पर पहले अपना फॉर्म सही कर, उसके बाद वेट बढ़ाने पर आना। फर्स्ट थिंग होती है फॉर्म है, किसी का प्यार अगर अब 5 किलो सही लग रहा है, सही फॉर्म कर पहले अपने मसल को आड़ डालो, क्योंकि न्यू बीज को स्पेशली आदत नहीं होती, मतलब कि बाइसेप कर्ल्स की या जो भी कोई अपनी एक्सरसाइज करे आपको उनकी आदत नहीं होती, तो उनको कम वेट के साथ पहले फॉर्म बैठो अपनी बॉडी को, अपनी आदत डालो बॉडी को, क्या ये फॉर्म आदत है, फिर उसके बाद वेट बढ़ाओ अगर आपको इंक्रीज होता है आपका वेट। गाइस अगला डोंट है, डोंट बी शाय। गाइस घबराओ मत, ये जिम है ना, स्पेशली जिम, जिम एक सेफ एनवायरनमेंट है, जिम में हर रोज नए लोग आते हैं, हर रोज वो लोग आ रहे होते हैं जिनका पहली दफा जिम होता है, तो टेंशन ना लो, कोई तुम पे नहीं हंसेगा, कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। गाइस डू आस्क फॉर हेल्प एंड सीक टॉक टू अदर्स। अभी सर क्या मतलब, अक्सर मेरा ही होता है कि खासकर बेंच प्रेस पे ज्यादा वेट उठाना, 10-12 किलो उठाए, लिफ्ट नहीं होता, शुरू का लिफ्ट से होता है, तो जाके अपने किसी भी आसपास जो भी करने को प्लीज हमें हेल्प कर देंगे, मेरा वेट उठाने में ये उठाएंगे, वेट कर देंगे, हेल्प कर देंगे आपकी। फिर जिम में सब भाई होते हैं, सबको पता होता है, सब उस वक्त से गुजरे होते हैं, तो कोई हर कोई आपकी सपोर्ट कर दिया। अक्सर हम जब ज्वाइन करते हैं, हम दोनों भाइयों ने साथ ज्वाइन किया, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या अगर कोई साथ अकेले भी हो ना तो उधर लोग मदद कर देंगे। मैं आपको टिप दूंगा सर, पीछे दोस्तों की भी आप हेल्प करें, और साथ ही साथ ऐसा मेरा जो है, जब भी कोई नया बंदा होता थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है आपको, तो मैं उससे जाकर बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं जिम जॉइन किया, मेरा पेट है फैट लो, उससे मैं टिप्स लेता हूँ, क्या मेरा पेट कम करा तो क्या टिप्स। तो ये चीज़ आती है हमारी सोशलाइजेशन पे, जिम सोशलाइज होने के लिए बहुत सी जगह आप लोगों की मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद मांग सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होता है, तो टेंशन नहीं लेनी, जिम ज्वाइन करना है, जिम को एंजॉय करना है, और कोई भी डोंट नहीं करना, और हर डू करना है। सॉरी सॉरी यार, एक तुम्हारा डोंट और बोले यार, एक और डोंट है जो मेरे न्यूबीज बहुत भाई करते हैं, वो है चलो आप इस पहन के वर्कआउट करना, और इसका डू है डू सब्सक्राइब टू मॉडर्न मैन, ताकि आपको स्टाइल का बदले, फैशन का पता चले, और जिम जाना, और अगर आप जाना चाहते हैं हमारा जिम क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो में बताएंगे हम किस जिम जाते हैं, बता दो आज हमारा सीक्रेट जिम है जो हम कभी शेयर नहीं करेंगे।